नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज न्यूज चैनल। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में कर्मचारियों के द्वारा किसानों का शोषण कर अपनी बल्ले बल्ले। कद्दावर नेताओं के संरक्षण में मार्केटिंग में हो रहा भारी भ्रष्टाचार। 50 किलो की जगह टोला जा रहा था किसानों का 53 किलो चना। ये पूरा मामला मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज का सरकार के निर्देशन में किसानों को लाभ पहुंचने के लिए नेफेड व मार्केटिंग के द्वारा चना खरीदी में तोल कंटे में छेड़छाड़ कर ज्यादा चना तोलने का मामला सामने आया। यहां मंडी परिसर में मार्केटिंग की देखरेख में पिछले 10 दिनों से चना की खरीदी की जा रही है। किसान गोंदर पटेल के चने की तुलाई चल रही, तभी कृषक ने तुलावटियों से इलेक्ट्रॉनिक कांटे को चेक करने की मांग की। वह बैठे कर्मचारी ने पहले तो कृषक से अभद्रता की और तुलाई बंद कर वह से चलते गए। उप किसान ने जब अपने चने की बोरी जो तोल कर पैक की जा चुकी थी दूसरे कांटे पर तोली तो कृषक अचंभित रह गया। उस कांटे पर बोरी वजन 53 किलो दिखा। अन्य बोरियां तोलने पर सभी बोरियों का वजन 53 किलो उतरने लगा। अन्य कृषक को जब ये जानकारी मिली तो मौके पर करीब 100 सेकंड अधिक किसान इकट्ठे हो गए। जब ये मामले की जानकारी पुलिस सहित प्रशासनिक अधिकारियों को मिली, मौके पर पहुंचे, उप कांटे का निरीक्षण कर मौके पर पंचनामा बनाकर कांटे को जब्त किया। वही मीडिया के द्वारा मार्केटिंग के सचिव मनोहर सिंह पवान से सवाल किए तो वह अपना आपा खो बैठे। कहा कि किसानों के नुकसान की भरपाई में फसल अपनी जेब से कर दूंगा। वही उक्त कांटे से तोली गई बोरियों को मात्र एक बार मशीन से सीली गई थी और न ही इन पर टैग लगाया गया था, जबकि अन्य कांटों से तुली हुई बोरियों पर टैग के साथ दो बार सिलाई की गई, जो कहीं न कहीं इशारा करता है कि यह घटना कांटे की खराबी से नहीं बल्कि जानबूझकर की गई, जिससे ज्यादा चना तोलकर किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सके। अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में इतने बड़े कर्मचारी हो गए जो पहले तो किसानों की उपज ज्यादा तोलते हैं और मामले प्रकाश में आने पर अपनी जेब से भरपाई करने की बात करते हैं। जहां मुख्यमंत्री किसानों को तरह तरह के फायदे देकर मानने में लगे हैं, वहीं उसके कर्मचारी मुख्यमंत्री की छवि को धूलित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल चीज़ें होती हैं तो जब बैटरी डिस्चार्ज होती है इस तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन यूजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टाइम टाइम पर चेक करें। यदि वो गलत है या कांटा खराब हो गया है तो या उसको एक तरफ रखें, दूसरा कांटा उपयोग करें, या फिर उस कांटे से तुलाई बंद कर दें। अच्छा, दूसरी उसके लिए विधिक माप विज्ञान मध्य प्रदेश अधिनियम 2009 का रूल है 97, जिसके अंतर्गत उसके लिए खिलाफ कार्रवाई होती है, प्रकरण दर्ज करता है। इस मामले में भी ऐसा होगा सर? लेकिन मैं अभी मौके पे आई हूँ तो इनके पास बांट पाया नहीं। कल रात में जब हम लोग मौके पे थे और इन किसान भी जो यहाँ थे, एक भी बांट यहाँ उपलब्ध नहीं था। वो उनने नहीं रखे हो ये दूसरा मैटर हो सकता है, लेकिन कंपलसरी है सारी सोसाइटी के पास एक एक बांट 20 किलो के 50 किलो के। जैसे अभी नहीं मिला तो क्या मामले में बांट होगा? अभी चूंकि मुझे मिला है, अभी मुझे मौके पे मिला है, यदि नहीं मिलता तो डेफिनेटली मैं दर्ज में आवेदन, यदि कोई देखे कि उस उक्त समय बांट नहीं थे तो क्या मामला दर्ज किया जा सकता है? उसका एक्चुअली मैं जब तक मौके पे नहीं जाऊंगी, मतलब मुझे मौके पे जो मिलेगा उसी तथ्य के आधार पर मैं कार्रवाई करता हूँ। किसान तो यही सोचते ना यार, आए लोग उन्होंने सब डिब्बू लगा लगा के सब में छेद कर दिया, निकाल लिया था। ऐसा होता है क्या ऐसा वजन का तीन करो निकाल देगा कोई? निर्देश यही है, पर वो किसी सिर्फ छोटे कर्मचारी पे नहीं हो, अध्यक्ष तक बड़े लोगों पे भी हो जिनकी अध्यक्षता में पूरी। हाँ, आ सकता है ना?